गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। इस उच्च प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी अक्षरों और शब्दों के इस्तेमाल का अभ्यास करने में मदद करने के लिए एक पाठ की योजना बनाई है। पाठ शुरू होने से पहले उन्होंने कक्षा के पिछले हिस्से में अंग्रेजी वर्णमाला वाली एक रस्सी बांध दी है। टुडे वी विल प्ले अ गेम, सम अल्फाबेट्स हैंगिंग ऑन दैट स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, दिस इज अ पिक्चर, यू सी द ऑब्जेक्ट्स इन दैट पिक्चर। पाठ नियोजन के दौरान शिक्षिका ने विद्यार्थियों के लिए चित्रों वाला एक चार्ट भी लगाया है ताकि वे स्पेलिंग बनाने के लिए अंग्रेजी शब्द चुन सकें। ये महत्वपूर्ण है कि कक्षा के लिए उचित कठिनाई के स्तर पर इसे सेट किया जाए। हाँ? तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमें पहचाननी है और उन्हें की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग वहाँ से अल्फाबेट्स हमें पिक करने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप को खड़ा होना है। We will make group of four. First row and third row will turn around. Yes. Group one. Group two. शिक्षिका ने समूहों का उपयोग करने की योजना बनाई है ताकि विद्यार्थी आपसी सहयोग और एक दूसरे को सीखने में मदद कर सकें। ध्यान दीजिए, समूह में काम करने का प्रबंध करने के लिए वे कैसे अंग्रेजी में निर्देश देती हैं। ग्रुप थ्री कम हियर एंड व्हाट इज दिस? फिश। वेरी गुड, नाउ गो बैक एंड पिक द लेटर्स। वेरी गुड, is it right? No, correct it, come and correct it. Now is this right? Yes ma'am. जैसे जैसे विद्यार्थी सीखते हैं, शिक्षिका उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण शब्दों के स्पेलिंग बनवाने की योजना बना सकती हैं। अगले पाठ में शिक्षिका ने अलग अलग विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ने में व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त सहायता करने की और बाकी कक्षा को दूसरी गतिविधि में जोड़ने की योजना बनाई है। पाठों की एक क्रमबद्ध योजना बनाने के लिए अपने विद्यार्थियों के बारे में और उनके पूर्व ज्ञान व प्रगति के बारे में जानने की जरूरत होती है। और अदर स्टूडेंट विल मेक अ ड्राइंग, अ ड्राइंग, यू नो ड्राइंग, ड्रॉ करेंगे आप लोग। और ड्राइंग में आपको बताना क्या है, यू मेक योर फेवरेट फूड। ओके, एवरीबडी नो फेवरेट फ्रूट? तुषार, आई लाइक एप्पल। वेरी गुड, एंड यू विल राइट टू और थ्री सेंटेंस, टू और थ्री सेंटेंस ऑन योर फेवरेट फ्रूट। यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षिका ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब वह विद्यार्थियों को पढ़ने में व्यक्तिगत रूप से सहायता करने के लिए बुलाएं, तब कक्षा शांति से काम करे। नाउ आई कॉल विष्णु, यस कम हियर एंड सिट देयर। यस प्लीज कीप क्वाइट। हां यस, You must have heard the man name of APJ Abdul Kalam. Slowly. The former president of India, he was. ज्यादा विद्यार्थियों वाली कक्षाओं के साथ किसी भी एक पाठ में सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रूप से पढ़ने में सहायता करना शिक्षिका के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन ध्यान पूर्वक बनाई गई योजना के साथ यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ही बी बिलोंग्ड बी इसको ब्रेक करके पढ़ो बी लॉन्ग्ड बी लॉन्ग्ड टू अ पुअर फैमिली। वेरी गुड, द मैन
एक एक को रूबरू सहायता देना, उच्चारण व विराम चिन्ह की गलतियाँ और वर्णों में गलत फहमियाँ जैसी बहुत सारी आम त्रुटियों से उबरने में विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। Holiday gives us double. Very double. Good, double. In energy. Very good. In your work. In our work. Okay, beta. Excellent. You go back on your seat. Yes, children. Have you finished your drawing? Yes, ma'am. Very good. और हर एक ने अपने sentences लिख लिए? Yes, ma'am. पाठ के अंत में शिक्षिका अपनी आगे की योजना हेतु जानकारी जमा करने के लिए बाकी कक्षा की प्रगति का आकलन करती हैं। विद्यार्थियों के सीखने के आकलन से मिली जानकारी का उपयोग आप अपने पाठों की योजना बनाने में कैसे कर सकते हैं? I like mango. Yellow, yellow, lovely mango. Okay, very good.